गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए फ्रेंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थियोरम्स बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ऑटोमोर्फिज्म एंड इनर ऑटोमोर्फिज्म। बिल्कुल ईजीएस कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इनको जब ये थ्योरम में यूज होंगे ना, तो आप बिल्कुल ईजी वे से इनको जो है थ्योरम में यूज कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऑटोमोर्फिज्म और इनर ऑटोमोर्फिज्म क्या होता है। देखिए, पहले तो आप आइसोमोर्फिज्म में आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख लीजिए आइसोमोर्फिज्म क्या होता है। फिर भी मैं बिल्कुल एक हल्का सा आपको बता देता हूं। आइसोमोर्फिज्म में एक मैप होता है, एक मैपिंग होती है एब्सिस, दैट वहां पे G2 from G to G डैश होता है, यानी कि वहां पे दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप G होता है, एक ग्रुप G डैश होता है। तो जो F मैपिंग होती है वो G से G डैश में होती है, किसमें? आइसोमोर्फिज्म में। आइसोमोर्फिज्म में जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऑटोमोर्फिज्म में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, जो ये अपना ऑटोमोर्फिज्म होता है ना, इसमें मैपिंग G पर ही होती है, यानी कि इसमें ग्रुप सेम होता है। अगर एक मैपिंग G2 G पे ही हो जाए तो उस केस में हम उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? ऑटोमोर्फिज्म। इज इट राइट? ऑटोमोर्फिज्म। अब देखिए, हम समझते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको जो ऑटोमोर्फिज्म है, जो आइसोमोर्फिज्म है, पहले तो इन दोनों में कंडीशन सेम होती है। क्या क्या होना चाहिए? 1-1 होना चाहिए, 1-2 होना चाहिए और होमोमोर्फिज्म होना चाहिए। यानी कि जो आपका आइसोमोर्फिज्म है और ऑटोमोर्फिज्म है, दोनों के लिए तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वो आइसोमोर्फिज्म भी हो जाता है, वो ऑटोमोर्फिज्म भी हो जाता है। डिफरेंस इतना है उसमें, जो आपका फंक्शन है वो कहां से कहां तक? G2 G डैश, यानी कि दो ग्रुप होते हैं, और जो आपका ऑटोमोर्फिज्म है इसमें सिंगल ग्रुप यानी कि G2 itself G पे ही जाता है, ठीक है मैप। तो हम यहां पे देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ऑटोमोर्फिज्म की। ऑटोमोर्फिज्म, देखिए ऑटोमोर्फिज्म क्या होता है, यहां पे लिखेंगे लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी, दैट इज एफ सच दैट, जो मैपिंग है कहां? जी से जी पर ही जाएगा। इज सेड टू बी ऑटोमोर्फिज्म इफ, वो थ्री कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 1-1 होना चाहिए। आई थिंक सो मैं इतना आपको समझा पाया। देखिए क्या है, ऑटोमोर्फिज्म के लिए क्या होता है, एक जी ग्रुप लेते हैं, एक एफ मैपिंग लेते हैं। वो एफ मैपिंग किस प्रकार लेते हैं? वो ग्रुप जी से सेम ग्रुप जी पर ही लेते हैं, ठीक है, ग्रुप सेम होता है। अगर ग्रुप डिफरेंट ले लें तो वो आइसोमोर्फिज्म हो जाएगा, अगर ग्रुप सेम ले लें तो वो ऑटोमोर्फिज्म हो जाएगा। कंडीशन तीन दोनों में ही लगती हैं, वो तीनों कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वो थ्री कंडीशंस क्या होती हैं, समझिए अब आप। इज सेट टू बी ऑटोमोर्फिज्म इफ, फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं ऑटोमोर्फिज्म, फर्स्ट कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? 1-1 भाई, 1-1 होने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट लेंगे, लेट
ए बी हम दो एलिमेंट ले लेते हैं किसके ग्रुप के, सच दैट अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए एंड ए इज इक्वल टू बी हो जाए, देन हम बोलेंगे कि जो वन वन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, ए बी दो एलिमेंट लेंगे ग्रुप के, अगर ए के ऊपर जो है मैप एफ का बना दे, एफ फंक्शन का अप्लाई कर दे, और बी के ऊपर भी जो है एफ फंक्शन अप्लाई कर दे और वहां पर ए इज इक्वल टू बी आ जाए, देन हम कहेंगे वो वन वन जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेकंड कंडीशन देखिए, ये समझ में आपको जब मैं इनर ऑटोमोर्फिज्म कराऊंगा ना, या फिर आइनर बोल लो, मैं आइनर ऑटोमोर्फिज्म कराऊंगा ना, तब ये कंडीशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। अब तो आप बिल्कुल देखिए याद ही करिए इनको। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑन टू भाई, ऑन टू कंडीशन क्या होती है आप समझिए। ऑन टू कंडीशन भाई, ऑन टू कंडीशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी, एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं बी जो किससे बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है, विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, वहां पे एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर जाए जो बिलोंग करे जी से, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी आ जाए। यानी कि अगर ए के ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करें, वहां से वो बी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑटोमोर्फिज्म है वो ऑन टू कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। एंड थर्ड कंडीशन भी, प्रिजर्व कंपोजिशन, या फिर इसको बोल सकते हैं होमोमोर्फिज्म। थर्ड कंडीशन प्रिजर्व, एफ इज प्रिजर्व कंपोजिशन, और यहां पे भी आप लिख दीजिए, जैसे लिखा ना वन वन, यहां पे लिख दिए एफ इज वन वन, जो फंक्शन है वो वन वन होना चाहिए, यहां पे लिख दीजिए एफ इज क्या ऑन टू, और यहां पे एफ इज प्रिजर्व कंपोजिशन या एफ प्रिजर्व कंपोजिशन, ऐसा भी लिख लीजिए। प्रिजर्व कंपोजिशन में क्या होता है, जैसे आपका होमोमोर्फिज्म में होता है, क्या होता है, अगर एफ ऑफ ए, हम ए बी एलिमेंट ले लेते हैं जो जी से बिलोंग करते हैं, अगर एफ ऑफ ए कोई भी यहां पे ये ऑपरेशन होता है, बट ऑपरेशन सेम ही लेना है क्योंकि ग्रुप जी से जी पर ही गए हैं, सेम ग्रुप पे गए हैं, तो बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, सेम ऑपरेशन। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए, हम कह सकते हैं जो आपका फंक्शन है वो ऑटोमोर्फिज्म, जो ग्रुप है वो आपका क्या है, ऑटोमोर्फिज्म है। ये तो आपका ऑटोमोर्फिज्म का था, बात करते हैं इनर ऑटोमोर्फिज्म की। देखिए जो इनर बोल लीजिए, आइनर बोल लीजिए, जो आपका आइनर ऑटोमोर्फिज्म होता है बिल्कुल सेम होता है। ये तीनों की तीन कंडीशन, वन वन, ऑन टू और एफ प्रिजर्व कंपोजिशन, या फिर कह सकते हैं एफ होमोमोर्फिज्म। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, आइनर ऑटोमोर्फिज्म। बात करते हैं आइनर ऑटोमोर्फिज्म। आइनर ऑटोमोर्फिज्म इसमें क्या होता है, इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स एलिमेंट ले लेते हैं जो बिलोंग करता है जी से, सच दैट वहां पे क्या जो है अप्लाई होता है, सच दैट अगर मैं, अब देखो जो आइनर ऑटोमोर्फिज्म है, जो ऑटोमोर्फिज्म है एफ वन वन होना चाहिए था, इसमें एक अलग सा सिंबल होता है, इसमें टी होता है, टी ए से डिनोट करते हैं आइनर ऑटोमोर्फिज्म में, एक्स एक एलिमेंट है और क्या कंडीशन अप्लाई हो जाती है, ए इनवर्स एक्स ए। अगर ये कंडीशन अप्लाई कर ले, ठीक है, एक्स के ऊपर, एक्स बी द एलिमेंट ऑफ जी, तो हम उसको
आइनर ऑटोमोर्फिज्म कह सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन भी क्या है, जो आपका यहां पे एफ की जगह क्या आ जाएगा, टी ए। टी ए क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। यहां पे क्या आ जाएगा, टी ए, टी ए यहां पे ही लिख देता हूं, यहां पे टी ए क्या होता है आपका, ऑन टू होना चाहिए। और यहां पे टी ए क्या होना चाहिए, होमोमोर्फिज्म। अब कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन यह है सब में अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशन यहां पे सेम ही लगेंगी, नो डाउट, ये सब सेम लगेगा यहां पे, ठीक है, और ये भी सेम ही लगेगा। देखिए इसी में ही बना देता हूं मैं, जो ऑटोमोर्फिज्म है, इन आइनर ऑटोमोर्फिज्म है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्स वाई दो एलिमेंट ले लेते हैं, जो किससे बिलोंग करते हैं, जी से कर लेते हैं, ठीक है। उसमें जो टी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ ए वाई, यानी कि एक्स की इमेज भी टी ए ले लेते हैं, वाई की इमेज भी टी ए ले लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन आइनर ऑटोमोर्फिज्म टी ए एक्स। अब देखो एक्स है तो यहां पे एक्स है, यहां पे वाई कर दूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाई। अकॉर्डिंग टू दिस, यहां पे एक्स है तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स एक्स ए, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू ए इनवर्स। देखिए यहां पे एक्स था, यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है तो यहां पे वाई हो जाएगा। अब आप पोस्ट और प्री मल्टीप्लीकेशन तो पता ही है, एक बार तो ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार प्री कर दीजिए। अब देखिए कैसे, यहां पे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स एक्स बोथ साइड, यहां भी इस ए से किया, यहां भी, बाकी सेम। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फिर अगेन ए इनवर्स से कर दीजिए यहां भी और यहां भी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहां पे x इज इक्वल टू y हो गया। यानी कि अगर टी ए एक्स इज इक्वल टू टी ए वाई, और यहां से हमने प्रूफ कर दिया x इज इक्वल टू y, ये तो क्या किसकी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी वन वन की, बिल्कुल इजीएस्ट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। अब टी ए ऑन टू प्रूफ करना है, भाई ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स इनवर्स, ये ले लेते हैं यहां पे ए इनवर्स एक्स ए, सेम एलिमेंट ले लेते हैं, यही एक एलिमेंट लेते हैं फ्रॉम जी, और वहां पे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, वहां पे एक ऐसा बी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए, जिसके लिए यहां पे एक्स एलिमेंट बोलते हैं, एक्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए टी ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि भाई टी ए क्या है, ऑन टू फंक्शन है। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब टी ए को हम होमोमोर्फिज्म प्रूफ करेंगे, होमोमोर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, टी ए एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है, टी ए एक्स वाई लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ होमोमोर्फिज्म, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखिए टी ए, टी ए एक्स, यहां पे एक्स है तो यहां पे एक्स है, अगर यहां पे एक्स वाई है तो यहां पे एक्स वाई हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम ए इनवर्स एक्स वाई एंड ए, इज इट राइट। अगेन देखिए आप समझिएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स एक्स, देखिए यहां बीच में, बीच में ए, ए इनवर्स से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पे एक्स ए हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ए इनवर्स एक्स ए, और इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स यहां पे वाई हो जाए, क्योंकि ये वाई था ना, तो ये वाई ए। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टी ए एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो टी ए वाई, और ये कंडीशन क्या थी, ये तो होमोमोर्फिज्म की कंडीशन थी। अब देखिए आइनर ऑटोमोर्फिज्म होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टी ए, टी ए सिंबल होता है आइनर ऑटोमोर्फिज्म का, टी ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए के इक्वल होना चाहिए। इसी पे ही हम तीनों कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि भाई टी ए वन वन है, बताया है कैसे है, टी ए ऑन टू है, ये कैसे बताया है, और टी ए होमोमोर्फिज्म है। अगर इस कंडीशन के साथ ये तीनों कंडीशन भी अप्लाई हो जाए तो वो क्या हो जाता है, आइनर ऑटोमोर्फिज्म हो जाता है। आई थिंक सो
ऑटोमोर्फिज्म और आइनर ऑटोमोर्फिज्म मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा पाया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका ऑटोमोर्फिज्म है और आइनर ऑटोमोर्फिज्म है वो देखेंगे साइक्लिक ग्रुप के अंदर। और फ्रेंड आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि अब तो ये बता रहे हैं और इसको समझ लीजिए आप, इसको जब थ्योरम में भी यूज होंगे ना, ये बेसिक है, ये यू का यू ही थ्योरम में यूज होता है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि आइनर ऑटोमोर्फिज्म क्या होता है, आइसोमोर्फिज्म क्या होता है, होमोमोर्फिज्म क्या होता है, तो वो एमएससी की थ्योरम नहीं कर पाते। तो फ्रेंड ये बेसिक है और घबराइएगा मत, बिल्कुल एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारे के सारे टॉपिक एमएससी के बिल्कुल आपको प्रोवाइड होंगे और बिल्कुल इजी वे से। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड्स, थैंक्स।